Assalamu alaikum nazareen, welcome to your own show Bhoojo to Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून. आज हम हैं अल फतेह शॉपिंग मॉल में, जहाँ पे काफ़ी जो है वो लोग आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है. देखते हैं कि लोग यहाँ पे किस तरह के लोग हैं, क्योंकि हम काफ़ी अरसे बाद जो है वो इधर दोबारा आए हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर. और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं, जो कि मेरी कमज़ोरी हैं और आई थिंक बाकी ख़वातीन की भी कमज़ोरी होंगी, क्योंकि डेकोरेशन एक बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त पार्ट होता है किसी भी लड़की की लाइफ का. तो आए लोगों के पास चलते हैं, बल्कि लोग हमारे पास आ रहे हैं तो उनसे बातें करते हैं और उनका जो टैलेंट है वो स्क्रीन पर लेकर आते हैं और लाहौर न्यूज़ की तरफ से उनको बहुत सारे इनाम देते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? जैनब. जैनब क्या करते हो आप? मैं मैस कम्युनिकेशन कर रही हूँ. ज़बरदस्त. अच्छा मुझे बताओ स्टडीज के बाद क्या करना है? स्टडीज के बाद जॉब, मुझे एंकर बनने का शौक है. अच्छा ज़बरदस्त. अच्छा मुझे बताओ किस टाइम की इंटरटेनमेंट में जाना चाहती हो या करंट अफेयर्स में, किस तरह के एंकर या न्यूज़ एंकर? न्यूज़ एंकर. खबरें? अरे तो खबरें ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, बड़ी हार्ड ड्यूटी है खबरें पढ़ना, बड़ी मुश्किल काम है. कुछ भी अचीव करना हो तो मेहनत करो तो कुछ हो ही जाता है. चलो वैसा चले, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताओ वो कौन सा कंट्री है जहाँ पे रेड इंक से लिखना मना है? नेपाल. नो आइडिया. क्या शेयर करोगी? मैं हेयर टिप, बिकॉज आजकल हेयर लॉस बहुत मसला है उसका, तो इसके लिए आई थिंक कि ऑनियन जो है ना, प्याज का पानी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने खुद के लिए भी यूज़ किया है. प्याज के पानी को आप हर तरह से लगा सकते हैं, उस दही में ऐड करके, उस तरह आप अदरक के पानी में ऐड करके लगाएं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. अरे वाह ज़बरदस्त. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. जी नाज़रीन, बहुत ही स्टाइलिश सी लड़की थी हमारे साथ और उसने बालों के लिए बहुत अच्छी टिप दी. ज़रूर ट्राई करेगा, किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. का नाम? मेरा नाम परवीन कौसर. आपका नाम? फरहान इजाज. डॉक्टर फरहान इजाज. अरे वाह. आपका नाम? अमन. नाम बताओ. ये आपका पोता? पोता है. ओके जी, मुझे बताएं किस चीज़ के डॉक्टर हैं आप? कॉलेज है ना सर अस्पताल के नाल, उत्थे पढ़ाते सी ना, तबीयत खराब हो गई. ओके ठीक हो गया. चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? देखो मैं उस वाइफ हूँ, मुझे पता कोई नहीं चलना क्या है क्या नहीं. बात नहीं, सोचे तो सही. दुनिया का कितने फीसद हिस्सा जो है वो बादलों ने कवर किया हुआ है? आपने मुझे बताया आप लोग बड़े शौक से देखते हैं, तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है? 40, 50 या 60? 50, 50, 60. देखा, सही बता दिया. क्लैपिंग करें इनके लिए. चले जी, मुझे बताएं क्या शेयर करेंगी आप? मैं तेरा ही करांगी. अच्छा क्या? तू बुला दे तो बुला दे, मैं बुलाऊं कैसे? ऐ मेरी प्यारी जान, मैं तुम्हारे बगैर बताओ ईद मनाऊं कैसे? हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त, वेरी नाइस. ये रहे जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. नाज़रीन, बहुत प्यारी फैमिली थी, बड़ा मज़ा आया और उन्होंने, आंटी ने मेरे लिए एक बड़ा अच्छा सा शेर भी सुनाया. किसी और से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? सहर वसीम. क्या करते हो? जॉब. क्या? यान कंपनी. ओके चलो मुझे ये बता दो कि जो हाई हील्स है पहनती हो? बहुत कम. ऐसे पसंद है? हाँ पसंद. ओके मुझे बताओ हाई हील किस तरह इन्वेंट हुई थी, कैसे ईजाद की गई थी, क्या हुआ था? नो आइडिया. ये भी नहीं पता सबसे पहले कौन, किसने पहननी शुरू की थी? नो. कोई बात नहीं, क्या शेयर करो? ब्यूटी टिप्स बताओ.
फेस ग्लोइंग के लिए कि अगर आप अपना फेस ग्लो करना चाहते हो तो खीरे का पानी निकाल के उसके क्यूब्स बना लें और आप उसको मसाज करें तो बहुत अच्छी ग्लो आती है। और उसमें के मौसम में जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है, मेकअप करने से पहले अगर आप कर लो तो फ्रेश रहता है आपका मेकअप। ज़बरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू, वेलकम। जी नाज़रीन, इन्होंने भी एक अच्छी टिप दी है, आप कोकम्बर का पानी बना लें, उसको ग्राइंड कर लें जैसे भी आपने निकालना, और उसको आइस क्यूब जिसमें आप बर्फ जमाते हैं उसमें डाल दें तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्यूब की शक्ल में हो जाएगा, और उसको आप मेकअप से पहले रब कर लें अपने फेस पे, मसाज कर लें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सना। क्या करती हो? मैं अलफतेह में जॉब करती हूँ। ओके, ज़बरदस्त। क्या जॉब है आपकी? मेरी ब्यूटी एडवाइस की है। ब्यूटी एडवाइस की, ज़बरदस्त। चले जी, मैं आपसे सवाल करती, ठीक है? जी। रेडी हैं आप? ओके। मुझे बताएं वो कौन सा जानवर है जो मुंह से सांस नहीं लेता? मुंह से सांस नहीं लेता, पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। चले जी, मुझे बताएं क्या शेयर करेंगे आप? सॉन्ग। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेंगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ज़बरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो। जी नाज़रीन, मेकअप बस आपको ये चेक करना चाहिए कि वो जाली ना हो, बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव मेकअप यूज़ करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सादिया मरियम। सादिया, ओके सादिया, मुझे बताओ आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद? राइस खाना पसंद है। राइस खाना पसंद है, ओके। और क्या चीज़ है जो पसंद नहीं है? मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं है। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? मुझे बताओ कि हमारी दुनिया का कितने फीसद हिस्सा जो है वो बादलों ने कवर किया हुआ है? आई डोंट नो, ज़्यादा अच्छा नॉलेज के बारे में नहीं। अगर मैं कोई पोइट्री वगैरह ये शेर सुना दूँ? ज़रूरी है। लो। लोग कहते थे तेरा दिल पत्थर है सादिया, लोग कहते थे तेरा दिल पत्थर है सादिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिले जो इसे भी तोड़ने में माहिर निकले। ओहो, ज़बरदस्त। आपका नाम है सादिया जी, आपने खुद लिखा है? यस। अरे वाह। अच्छा मुझे बताओ कब हुई आमद, क्या थी वो फीलिंग कि आपने ये शेर लिखा? मैं बहुत सैड थी, मैं अपने फादर को याद कर रही थी, मेरे फादर की डेथ हुई है, बट मैंने फिर उस वक्त ये शेर को, अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे। मैं ये लें जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। क्यों? ये वेलकम जी नाज़रीन, बहुत ही प्यारी सी लड़की थी हमारे साथ, सादिया थी, और वो शेर व शायरी भी करती हैं, जबकि शेर व शायरी जो है वो एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इसके लिए बड़ा दमाग होना चाहिए जो आमतौर पर नहीं होता लोगों के पास। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अफशा। अफशा, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे ब्यूटी टिप्स बताती हूँ उसके बारे में। ओके अफशा, चले मुझे अपने नेल्स कैमरे में दिखाएं। अरे वाह, इतनी जगमग जगमग कैसे किए गए? बस ये मेरा क्रेज की हद तक जो ना मुझे शौक है नेल पेंट रोज लगाने। बहुत ही शाइनी है? नहीं, या शाइनी है बट हमारा काम यही है ना। बाल भी बड़े अच्छे बनाए आप। हाँ जी, बस यहाँ पे हमने ब्यूटी दिखानी होती है और कॉस्मेटिक हमें। जबरदस्त, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है? जी जी। वो कौन सा जानवर है जो मुँह से सांस नहीं लेता? मुँह से सांप हो सकता है? आई थिंक सांप नहीं, मुँह से सांस नहीं लेता, आई डोंट नो। क्या शेयर करेंगी? मैं एक ब्यूटी टिप शेयर करना चाहूँ। बता दें सामने। ऐसा है कि जब आप रात को सोते हैं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सा मेकअप किया हुआ है, बड़ी गहराई तक किया हुआ है, लेकिन हमारा तो ये कि हमने तो मेकअप दिखाना होता है, लेकिन ये कि मैं सब जो भी जितनी भी खवातीन उनको ये मशवरा देना चाहूँ कि वो बहुत सा जब मेकअप करती हैं, चाहे लाइट भी करें, रात को सोते वक्त एक बार क्लिनजिंग ग्लास में करें। उससे ये कि जो आपके पोर्स ओपन होते हैं ना वो बंद हो जाएंगे और आपकी स्किन जो है वो ग्रो भी करेगी। ये मेरी ज़बरदस्त, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। जी नाज़रीन, उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी कि आप क्लिनजिंग करें। अच्छा, अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि क्लिनजिंग करने के लिए पता नहीं कितना टाइम चाहिए, जस्ट 30 सेकेंड। अगर आप 30 सेकेंड भी क्लिनजिंग करते हैं तो वो इनफ है, बस जोर जोर से नहीं करनी, बहुत लाइटली, ठीक है? किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम हामिद है जी। हामिद, क्या करते हैं आप? मैं गिफ्ट वॉचेस पे होता हूँ। जबरदस्त, ओके। मुझे बताओ हामिद कि वो दुनिया की कौन सी फसल है जो कहीं पर भी उगाई जा सकती है, मतलब बहुत आराम से वो उग जाती है? गंदम ही है।
इंसान भी हो सकता है। नहीं, इंसान तो फसल नहीं है। गंदम कहीं पे भी उगाया जा सकता है। गंदम देखो ना, कहीं पे भी नहीं होती, अक्सर नहीं होता, जो बहुत बर्फीली जगह होती है वहाँ पे नहीं उगाई जा सकती। तो बात नहीं, क्या शेयर करोगे? मैं एक तो शेर अभी अभी मैंने बनाया, वो अभी अभी बनाया। अरे वाह, सुना दे गिरे भाई। हम लाए हैं तूफान से अलफता निकाल के, रखना मेरे एम्प्लॉयज इसको संभाल के। अरे वाह, जबरदस्त, तूफान से निकाला इसको। और न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, यू वेलकम। जी नाजिन, लगता तो वैसे ही है कि ये तूफान से ही निकला है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है? मदीहा। मदीहा है आपका नाम, क्या करती हैं आप मदीहा? मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि मैं आपसे सवाल करूँगी, पहले आप मुझे बताएं आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आती हैं और क्या आपको नहीं पसंद आता, कुछ भी? अच्छी पोइट्री पसंद है। और क्या चीज़ नहीं पसंद? और ये है कि क्या चीज़ नहीं पसंद, अच्छी सोच पसंद है, बुरी सोच नहीं पसंद। चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है, रेडी? जी जी। मुझे बताएं वो कौन सी फसल है जो दुनिया में कहीं पर भी उगाई जा सकती है, बड़ी जल्दी से उग जाती है? अच्छा चलिए, मुझे बताएं, ये तो सवाल हैं आपके लिए, मैं सवाल बदल देती हूँ, ठीक है? ठीक है। तीन टांगों वाली बिल्ली कहाँ पर पाई जाती है? तीन टांगों वाली बिल्ली होती नहीं है। होती है, कहाँ पर पाई जाती है? कुछ बातें आप क्या शेयर करेंगी? मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ। सुना दें। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटती है, हमने न जाने किस जुर्म की सजा पाई है, याद नहीं। ओए होए होए, जबरदस्त। ये ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, यू वेलकम। जी नाजिन, किसी और से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? गजाला इमरान। क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ है। ज़बरदस्त। चलिए मुझे आप ये बताएं वो क्या चीज़ है जो हमारे हाथ में होने के बावजूद हमारे हाथ खाली रहते हैं? हमारे हाथ में होने के बावजूद पता नहीं। कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे? मैं एक दुआ सिखाऊंगी, वो सब पढ़ेंगे तो उसको अजर बहुत। तिलावत है? तिलावत नहीं है। सुभान अल्लाह है व बिहम्दे ही अदद खल्क ही व रिदा नफ्स ही व ज़ीनत अर्श ही व मिदादा कलिमात ही। इसको आप पढ़ेंगी, जो भी इसको पढ़ेगा उसका अजर इंशाल्लाह मिलेगा, मुझे मिलेगा। जज़ाकअल्लाह खैर। जज़ाकअल्लाह। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गया। यू वेलकम। जी नाजरीन, बड़ा मज़ा आया, किससे आप से बात करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इकरा। क्या करते हो? मैं वैसे तो जॉब कर रही हूँ, वैसे मैं नात खवां हूँ। अरे वाह माशाल्लाह, नात खवां हैं। चलिए जी, मुझे ये बता दें, मेरा आपसे सवाल है, दुनिया का कितने फीसद हिस्सा जो है वो बादलों ने ढका हुआ है? कुछ आइडिया नहीं है। अरे वाह, तुम लोग कोशिश भी नहीं करते हो। चलो सुनाओ, क्या सुनाओगी? तलावत? लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। जज़ाकअल्लाह। ये ले जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी नाजिन, बहुत ही प्यारी लड़की थी, उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सना। अच्छा मुझे बताओ, लिप कलर तो बड़ा अच्छा लगाया हुआ है। थैंक यू सो मच। चले जी, मुझे बताएं, समंदर कभी देखा है? हाँ। गई हो? नहीं, गई नहीं। अच्छा मुझे बताओ, समंदर के ऊपर क्या है? आसमान। नहीं, वो तो आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर है। समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर समंदर। नहीं नहीं पता। समंदर के ऊपर क्या है? समंदर के ऊपर आसमान है। क्या शेयर कर? अपनी दोस्त को सॉन्ग। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना,
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। महजबीन के लिए। अरे वाह, ये ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। जी नाज़रीन, इन्होंने अपनी महजबीन जो फ्रेंड है उनको एक बड़ा अच्छा सा गाना डेडिकेट किया है। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।